नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल के बारे में। लीडरशिप स्किल हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे हम एक अच्छा लीडर कैसे बन सकते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें कौन कौन से गुणों की ज़रूरत है और लीडरशिप के कौन कौन से प्रकार है। इतिहास में हमें जो भी बड़े बड़े नाम सुनाई देते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और इसी तरह के और भी बड़े बड़े महात्माओं ने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इसका एक ही कारण है कि उनका लीडरशिप स्किल, वो हमेशा लोगों को साथ लेके चलते थे। वो उनका एक लीडरशिप स्किल है, उसी वजह से उन्होंने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। लीडरशिप मतलब किसी काम का प्रायोरिटी लेकर दूसरों को भी उस काम के लिए मोटिवेट करना। सिर्फ मोटिवेट भी नहीं करना, बल्कि उस काम को सही तरीके से और सही टाइम पे करके लेना। इसका मतलब होता है लीडरशिप। जिसको मोटिवेशन देना नहीं आता, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। इसलिए पहले दूसरों को मोटिवेट करना सीखो। मोटिवेशन लीडर का एक शस्त्र होता है। जिसके पास मोटिवेशन नहीं है या जिसको मोटिवेट करना नहीं आता, वह हमेशा फॉलोअर बन के रहता है। यू कांट बी लीडर एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोअर। जब तक आप फॉलोअर है, तब तक आप लीडर नहीं बन सकते। इसका मतलब होता है कि जो मोटिवेट नहीं करता, वह हमेशा फॉलोअर बन के रहता है, और जो हमेशा दूसरों को मोटिवेट करता है, वह अच्छा लीडर बनता है। जब आप एक नया विचार, एक नई सोच लोगों को समझाते हैं, तब लोग आपसे मोटिवेट होकर आपके पीछे आते हैं, और तभी उसी क्षण से आप एक अच्छे लीडर बनते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए खुद को सिचुएशन के अनुरूप बदलना पड़ता है। इसलिए खुद को सिचुएशन के अनुरूप बदलना सीखो। हर सिचुएशन में खुद को ढालना सीखो। टाइम और सिचुएशन देखकर लीडरशिप स्किल बदलनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण माखन की मटकी फोड़ते थे, तो वह कभी सब में बांट के खाते थे, वह कभी अकेले नहीं खाते थे। आज के समय में इस तरह की लीडरशिप देखना मुश्किल है। एक अच्छा लीडर के तौर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देख सकते हैं। महाराज एक लीडर का सबसे बड़ा उदाहरण है। टाइम और सिचुएशन को देखकर लोगों से क्या बोलना, कैसा व्यवहार करना, यह बात ध्यान रखनी चाहिए। एक अच्छा लीडर सिचुएशन को बदलता है। रियल लीडर वही होता है जो खुद गोल बनाता है, उसे हासिल करता है और औरों को भी वहां तक लेके जाता है। महाराज का लीडरशिप हम एक ही लाइन में बताएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे सन्यासी है, उन्होंने लाखों लोगों का परिवार चलाया, हमेशा लोगों को वैल्यू देते रहे। महाराज का साल का टर्नओवर 2,00,000 करोड़ रुपए रहने के बावजूद खुद के लिए कभी कोई महल या कभी कोई फार्म हाउस नहीं बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ एक फार्म की तरह थी, और उसमें महाराज सिर्फ इंसान से इंसानियत की खेती करते थे। जो लीडर लाइफ टाइम लोगों में कुछ वैल्यू देता है, वही एक अच्छा लीडर बन सकता है। अब हम देखेंगे लीडरशिप स्टाइल के प्रकार। ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, तीसरा कंसल्टेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल, लेजेज फेयर स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, सोशियोक्रेटिक स्टाइल, न्यूरोक्रेटिक स्टाइल, सिचुएशनल स्टाइल। वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह वीडियो किसी का जीवन बदल सकता है। और आगे के वीडियो में हम इन सभी लीडरशिप स्टाइल के बारे में देखेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।